हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, क्या आपको पता है हमारे जीवन में फलों का बहुत महत्व है। ये हमें ताजगी और स्फूर्ति देते हैं। ये हमारे शरीर में जाकर विटामिन और कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और रसीले होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के रंगों और आकार के होते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको इन्हीं फलों के नामों को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगी। सो किड्स, टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 1 एंड ओपन पेज नंबर 7070 और सबसे ऊपर दिनांक और कक्षा कार्य लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं फलों के नाम। ये सबसे पहला किसका चित्र है, कौन सा फल है ये? यस, मैंगो। क्या है ये? मैंगो। अब मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? आम। मैंगो को हिंदी में कहते हैं आम। तो आपको सबसे पहले लिखना है आम। सबसे पहले बनाएंगे अ, अ में आ की मात्रा आ और म, आम। क्या है ये? आम। ओके, अब ये दूसरा चित्र किसका है? वाटरमेलन। क्या है ये? वाटरमेलन। अब वाटरमेलन को हिंदी में क्या कहते हैं? तरबूज। क्या बोलते हैं इसको? तरबूज। तो आपको यहां पर लिखना है तरबूज। त र बू, ब पर बड़े उ की मात्रा, ब पर बड़े उ की मात्रा बू और ज। तो दूसरा फल आपने कौन सा लिखा? तरबूज। अब ये कौन सा फल है? ग्रेप्स। क्या है ये? ग्रेप्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंगूर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अंगूर। तो आपको यहां पर अब कौन सा फल लिखना है? अंगूर। अ, अ पर अंक की बिंदी अंगू, ग पर बड़े उ की मात्रा गू र, अंगूर। कौन सा फल है ये? अंगूर। अगला फल कौन सा है ये? पपाया। क्या है ये? पपाया। अब पपाया को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? पपीता। क्या बोलते हैं इसको? पपीता। तो अगला फल आपको लिखना है पपीता। प, फिर से लिखेंगे प और इस प में बड़ी की मात्रा पी और त में आ की मात्रा ता। तो कौन सा फल हुआ ये? पपीता। तो बच्चों, ये अगला फल कौन सा है? चीकू। क्या है ये? चीकू। च, च में बड़ी की मात्रा ची कू। क, क में बड़े उ की मात्रा। तो कौन सा फल है? चीकू। अब अगला फल कौन सा है ये? आप जानते हैं इसको? यस, पाइनएप्पल। क्या है ये? पाइनएप्पल। पर आपको पता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनानास। क्या बोलते हैं इसको? अनानास। तो आपको यहां पर लिखना है अनानास। अ, ना, न में आ की मात्रा ना। अ, ना, ना, फिर से आपको लिखना है ना और स। तो कौन सा फल हुआ ये? अनानास। क्या बोलेंगे इसको? अनानास। ओ वाओ, ये कौन सा फल है? क्या आपको पता है कौन सा फल है? यस, वेरी गुड, पॉमीग्रेनेट। क्या है ये? पॉमीग्रेनेट। पर आपको पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनार। क्या बोलते हैं इसको? अनार। तो अब आपको अगला फल लिखना है अनार। अ, ना, न में
आ की मात्रा ना र, अनार। कौन सा फल है ये? अनार। ये कौन सा फल है? यस, कस्टर्ड एप्पल। इसको क्या बोलते हैं? कस्टर्ड एप्पल। और इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? सीताफल। क्या बोलते हैं इसको? सीताफल। तो आपको अगला फल कौन सा लिखना है? सीताफल। सी, स में बड़ी की मात्रा, सी, ता, त में आ की मात्रा, ता, फ, ल। कौन सा फल हुआ ये? सीताफल। क्या बोलते हैं इसको? सीताफल। यस, ये अगला फल कौन सा है? लीची। क्या बोलते हैं इसको? लीची। ली, ल, ल में बड़ी की मात्रा, ली। और च, च में भी बड़ी की मात्रा, ची। क्या बोलते हैं इसको? लीची। कौन सा फल है ये? लीची। बच्चों, ये क्या है? आपको पता है ये क्या है? यस, बनानास। क्या है ये? बनानास। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? केले। क्या बोलेंगे इनको? केले। तो आपको कौन सा फल लिखना है यहां पर? केले। के, कम ए की मात्रा के, और ल में भी ए की मात्रा ले। केले। ओके, अब अगला फल कौन सा है ये? पियर। क्या बोलते हैं इसको? पियर। और पियर को हिंदी में क्या कहते हैं? यस, इसको बोलते हैं नाशपाती। क्या बोलते हैं इसको? नाशपाती। तो आपको अगला फल लिखना है नाशपाती। ना, न में आ की मात्रा ना, श, पा, प में आ की मात्रा पा, और त में बड़ी की मात्रा ती। नाशपाती। कौन सा फल है ये? नाशपाती। अब सबसे आखिरी में ये कौन सा फल है? कीवी। क्या बोलते हैं इसको? कीवी। तो आपको अगला फल लिखना है कीवी। क, क में बड़ी की मात्रा की, और व, व में बड़ी की मात्रा वी। कौन सा फल हुआ ये? कीवी। तो बच्चों चलिए हम इनको एक बार फिर से दोहराते हैं। आम, तरबूज, अंगूर, पपीता, चीकू, अनानास, अनार, सीताफल, लीची, केले, नाशपाती और कीवी। सो किड्स, आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 1 के पेज नंबर 7070 पर इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है लाइक दिस। और ये जो फलों के चित्र बने हुए हैं, इनमें आपको बहुत सुंदर सुंदर रंग भी भरने हैं। और बच्चों, आपको पेज नंबर 6969 पर चित्र देखकर फलों के नाम पढ़ो व लिखो। यहाँ फलों के चित्र दिए हुए हैं, आपको इनमें सुंदर सुंदर रंग भरने, और इन चित्रों के सामने ही इन फलों के नाम भी लिखे हुए। तो आपको इन सभी नामों को अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर इन्हें फिर से लिखना है लाइक दिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।